तो अब डेटा टाइप को समझते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने बताया आपको कि डेटा टाइप क्यों यूज किया जाता है। अब कौन कौन से डेटा टाइप है समझिए। सबसे पहले आता है बाइट, बाइट डीम बी एज ए बाइट। बाइट क्या करता है, ए इसके ऊपर वैल्यू स्टोर करता है, बी इक्वल टू में 0 से 255 तक वैल्यू को स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है 255 तक। इसमें किसी भी तरह का डेसिमल एक्सेप्ट नहीं करेगा, किसी भी तरह का नेगेटिव एक्सेप्ट नहीं करेगा, और 255 से ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब BL जो है, BL क्या करता है, ट्रू एंड फॉल्स शो करता है, ये ट्रू एंड फॉल्स ही लेगा, राइट। इंटीजर I इक्वल टू माइनस 32,000 से 32,000 समथिंग प्लस 32,000, एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, मैं दे दूंगा लिस्ट उसमें देख लीजिएगा। ए नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों एक्सेप्ट करता है, बट जीरो डेसिमल ए भी एक्सेप्ट नहीं करता है जी। अगर हम लॉन्ग की बात करें तो इसमें हम एक बड़ी वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव, बट इसमें भी हम डेसिमल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। डी जो है सबसे बड़ी वैल्यू को एक्सेप्ट करता है और विथ डेसिमल भी। डीटी के ऊपर हम किसी भी तरह के डेट को डाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया 1 जैन 2021, तो ये हमने डाला था स्ट्रिंग में है ना, ये अपने आप को कन्वर्ट कर देगा। अब एस के ऊपर जो है हम स्ट्रिंग डाल सकते हैं, कुछ भी नॉन कैलकुलेटिव, चाहे वो नंबर हो चाहे टेक्स्ट हो, वो हम स्टोर कर सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं। वी के वेरिएंट है, ये ऑलराउंडर कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर डाला तो ये इंटीजर बन गया, लॉन्ग बन गया, स्ट्रिंग बन गया, मतलब जो इसके ऊपर वैल्यू डलेगी उसके अकॉर्डिंग होगा। जो हम लोग बिना डिफाइन किए हुए लिख देते हैं ना यहाँ पे, जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे सुजीत, तो अभी टेक्स्ट हो गया, वेरिएंट हो गया, तो उसी तरह से ये भी काम करता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि मेरे पास तो बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं, अब इनका यूज जो है, इनके जगह पे हम वेरिएंट यूज क्यों ना करें, यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन आता है। तो क्या लगता है आपको कि इनके जगह पे हम वेरिएंट यूज क्यों ना करें?